मेरे फ्रेंड्स, कल दोपहर का शायद करना है 1 बजे, लेकिन हमारा यूजली पीएस में रिपोर्ट मिला था 6 बजे ना, 6 बजे। तो ये पता चला कि एक जर्नलिस्ट को एक आयरन फैक्ट्री है ना, स्टील फैक्ट्री, मैंने कभी विजिट नहीं किया, SMS, हाँ SMS फैक्ट्री है वहाँ पे, कुछ कवर कर रहे थे कुछ न्यूज़ बनाने के लिए, उसको किसी ने शॉट किया, तो उस पर हम इन केस रजिस्टर किया, केस नंबर 25/2020 अंडर सेक्शन 341 होता है आपको रॉन्ग फुल रजिस्ट्रिंग, एंड 325 होता है ग्रीवियस इंजुरी, एंड 506 होता है चिटिंग। तो ये केस रजिस्टर हुआ है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन में एक्यूज वॉज अननोन, लेकिन मेरा उसी ने 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन अभी विद इन 16 आवर्स में अरेस्ट हो गया। एक्यूज का नाम है नंगड़म तापो, 34 ईयर्स, वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है ऐसा सुनने में आया है। लेकिन एज पर FIR, क्योंकि हमने कुछ वीडियो देखा था उसमें एबडक्शन अटेम्प्ट किया या स्निचिंग किया ऐसा कुछ बोला, लेकिन FIR में ये सब मेंशन नहीं है, टू वेरी फ्रैंक। इसलिए मैंने मीडिया वालों को बोला कि FIR में एट द मोस्ट केस रजिस्टर होने से भी इतना ही कर सकता है। हालांकि OC ने ठीक है कि मेडिकल रिपोर्ट से पहले OC साहब ने हायर सेक्शन डाला 325 जो ग्रीवियस इंजुरी होता है, तो ये एक है, लेकिन सब अवेलेबल होता है। तो इस पर आपका कुछ क्वेश्चन है तो खुशी है। एक तो है कि इन लोग का वहाँ पे शायद अभी इन लोग भी बोल रहे हैं भी केस देगा, क्योंकि ऐसे ट्रेसपास किया बिना परमिशन से किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसता है बिना परमिशन, अगर रिलेटिव में घुसने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली किसी का प्रॉपर्टी में प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई भी अगर घुसता है तो भी गलत है। मीडिया बाद भी आप पब्लिक प्लेसेस में यू आर फ्री है, लेकिन कहीं भी थोड़ा एग्रीमेंट सुपरमेंटर लेके जाना होता है और कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाना होता है, और ये उसमें कभी कहीं कहीं लिखा 3-4 आदमी ने मारा, लेकिन वो खुद विक्टिम ने OC लोग को भाई आयो लोग को बताया हुआ कि नहीं एक ही आदमी ने किया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मेडिकल रिपोर्ट आ गया। सर ट्रेस पासिंग में तो बात ही नहीं बन रही, क्योंकि वो बाहर से किसी दूसरा आदमी का बिल्डिंग से बना रहा था, वीडियो में भी वो सीधा से लड़का जो बता ही रहा था, फिर बता ही रहा था कि आपका बिल्डिंग है तो मैं नाम जाऊँगा, तो वो ट्रेस पासिंग का बात ही नहीं बन रहा। तो ये ट्रेस पासिंग कैसे वो हम देख लेंगे, उनका जरूरी नहीं है कि उनका जो एलिगेशन सही हो, और हम तो जस्ट बता रहे हैं उन लोग कर रहे थे। सर ये ट्रेस पासिंग का है जिसका बेसिस में उन लोग ने केस रजिस्टर किया क्या आप लोग ने? नहीं, कंप्लेन वगैरह किया अभी OC को इस केस के लिए मिल गया OC अभी जस्ट नाउ माय ड्यूटी ऑफिसर हैज ओवर फोन टेल मी कि दे हैव गिवन हिम वन FIR काउंटर FIR एलिजिंग लाइक ब्रीच ऑफ सीक्रेसी और लाइक ट्रेस पास कुछ ऐसे FIR क्या बोला। मैंने उसको FIR को व्हाट्सएप में मंगाया है, मैं गया नहीं, क्योंकि आज हम लोग का जो आज का क्राइम मीटिंग था ये बहुत पहले से फिक्स था, प्री फिक्स था, मतलब ये साथ साथ ये केस का भी हम लोग डिस्कशन करने आया, लेकिन ये पहले से फिक्स था। तो अभी पता चला है कि उन लोग भी FIR देने आए होते, तो लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई कर लेगा कि उसमें कितना इनग्रीडियंट्स है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन सकता है कि नहीं सकता है, लेकिन तो ऐसा नहीं कि FIR कोई भी दे देगा, कोई भी FIR दे सकता है, अगर कोई FIR देता है तो उसको हम लोग वेरीफाई करना होता है कि उसमें केस रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं सकते। तो फिलहाल मैंने अपना से नहीं देखा है, अभी हम तो मेरा आयो में अभी ये फ़ोन करता है वो बता रहा है, वो चाहिए मैंने सर को आते आते बता दिया, तो सर को भी कंटेन मालूम नहीं है। सर इसमें वो बता रहा था कि 4 लोग था, तो 4 लोग मुझे एक ही मतलब एक जो उसका साथ जो हाथ होता है उसी को पकड़ना ना चारों को नहीं। देखिए जब विक्टिम ने खुद बोला कि एक ही है तो एक ही को ही तो पकड़ा है, और हम अगर 4-5 इन्वॉल्व थे एक से ज्यादा तो हम 34 सेक्शन डालते हैं, मतलब कॉमन इसमें नहीं। लेकिन हाँ उस पर हम कुछ बोलना चाहता हूँ कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हम कैपिटल पुलिस आप सब पब्लिक को प्यार करते हैं और हम आपको सेवा करने के लिए बैठे, लेकिन हम दादागिरी हम इधर अलाउ नहीं करते,
ये नहीं सोचना कि हम किसी का भाव पड़ता है सरेआम पब्लिक प्लेस में रास्ते में, उसका मतलब ये नहीं कि हम कड़क कदम नहीं उठाएगा कोई गुंडागिरी करते हैं। और ये जो हथियार दे के रखे हमें गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ सजा के रखने के लिए नहीं है, कभी कभी इस्तेमाल करने के लिए भी। ये मैं कड़क मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सभी जो कॉम्प्लेनेंट है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब FIR दर्ज करते हैं सही दर्ज करें, अगर आपका खिलाफ बहुत गलत हुआ है तो उस अनुसार आप FIR दर्ज करना है, ना कि उसको आप बाद में फिर बोलता है ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन FIR अलग है। FIR में हम जितना ढूंढने से भी इनका FIR जो लिखा हुआ उसमें तो सिर्फ तितनी 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 ही ज्यादा लिखा है, ना कि उसको बहुत कुछ हुआ। और हम मीडिया में देख रहा था कि उनको एबडक्ट करने का कोशिश किया, वो तो इसमें FIR में नहीं है। ये सब होने से हम लोग नॉन बेलेबल केस जरूर ढूंढना, ये मैं थोड़ा आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। सर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट हर बार कहते हैं कि क्राइम रेट कम हो रहा है, लेकिन डे लाइट में ही एक जर्नलिस्ट को ड्यूरिंग उनके ड्यूटी के समय में आकर मैन हैंडल किया जाता है, तो कितना हद तक यहाँ के आम पब्लिक सेफ रहेगा जब जर्नलिस्ट ही सेफ नहीं है? सर नहीं, देखिए स्लिप मारना, आम आदमी को मारो, जर्नलिस्ट को मारो या मुझे मारो, ये तो क्राइम इज सेम। मीडिया को मारा बोलते क्राइम इसमें बहुत बड़ा अभी तक सेक्शन नहीं बना। जो भी ऑन ड्यूटी होने से देखिए, मैं पुलिस वाला भी ऑन ड्यूटी रहता है, सब बहुत लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, लेकिन उसका खिलाफ अलग सेक्शन नहीं बने अभी तक। अगर आप लोग डिमांड करेगा शायद गवर्नमेंट अगर बनाएंगे तो हम लोग उस अनुसार एक्शन लेंगे। हमको सिर्फ ये हमको एनफोर्स करना होता है जो भी लॉ बनाए, तो उस अनुसार हम लोग करेंगे। लेकिन क्राइम फिगर जो है, एक जर्नलिस्ट को मारा बोल के क्राइम फिगर बहुत हाई नहीं होता है, क्राइम फिगर ऑब्वियसली कम है कैपिटल में, एंड यू कैन चेक द रिकॉर्ड ऑल्सो। लेकिन हम उस पर गर्व होके नहीं बैठे हैं, हम बहुत दुखे कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मतलब आई ऑल्सो फील कि किसी जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारना या किसी जो ड्यूटी में जो, क्योंकि जर्नलिस्ट का भी स्टेटस मतलब उनको हम बहुत इज्जत से देखते हैं, ऐसा इज्जतदार लोगों को अगर कोई थप्पड़ मारता है या मुझे कोई थप्पड़ मारता है, क्राइम में भी सेम, उसको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। लेकिन इसमें आप लोग जो FIR दर्ज करता है, नॉन बेलेबल केस डालना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं डाला। और कोई हमको बोला था सर हम लोग एडिशनल FIR डालेगा, एडिशनल FIR कोई सिस्टम नहीं होता है। FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उनको भी मैंने समझाया एडिशनल FIR नहीं होता है, एट द मोस्ट इट कैन बी कॉल्ड SIR मतलब सेकेंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट का रूप में लेते हैं। उसका अनुसार एक ही इंसिडेंट के लिए दो तीन बार केस रजिस्टर नहीं होता है, तो ये हम क्लियरली आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं दुख हूँ कि इस तरह का दीनदारे हुआ, लेकिन हम कोई कोई बोला कि वो जो फैक्ट्री भी उल्टा पुलटा चल रहा है, तो ऐसा है तो मैं सभी पब्लिक को निवेदन करता हूँ, ऐसा कोई गलत चल रहा है या पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उनका बिना इजाजत से चल रहा है, ये तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे। और कोई अगर ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है हमें शेयर करें, हम लोग अच्छे से कार्रवाई करेगा, जो भी उसका दादा हो, जो भी बॉस हो, जो भी मालिक। उसमें दो कैटेगरी, एक है सिंपल ट्रेनिंग और एक है कि लाइक जान लेगा वो लेगा जो, लेकिन उसका भी 7 years सजा है, फिर भी वो भी अवेलेबल। हम लोग 506 जरूर एड किया वो सेक्शन, लेकिन वो भी अवेलेबल। और 325 एक्चुअली सिंपल इंजुरी का नहीं होता है, लेकिन हमारा OC ने हायर सेक्शन एड किया, जबकि उसका मेडिकल रिपोर्ट भी सिंपल इंजुरी है, और खुद व्यक्ति भी बोला सिंपल है, थप्पड़ मारना तो सिंपल ही, मतलब इट में सिग्निफाई वेरी ग्रेट थिंग, लेकिन जो इंजुरी की बात करता है वो सिंपल में आता है, तो ये बात है। इसलिए ये थ्रिटेनिंग तो जितना भी बहुत बड़ा थ्रिटेनिंग होने से भी वो तो 506 में कवर होता है। उनका जितना डॉक्यूमेंट है हमें देखा, क्योंकि मेरे को कोई मीडिया फ्रेंड ने भी शेयर किया, मतलब सेक्रेटरी ऑल्सो शेयर किया कुछ कुछ चीज ना, तो उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ऐसा गलत चल रहा है, पब्लिक प्लेसेस में पोल्यूशन कर रहा है, मैं तो गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा, लिखूंगा DC को भी लिखूंगा कि ऐसे को तौर से देखिए, री एग्जामिन कीजिए,
कि ऐसा को यहाँ चलने देना है कि नहीं, मैं तो क्लियर था सर, ये तो क्लियर है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही था वहाँ का। नहीं ऐसा अभी तो मैं तो जाके नहीं देखा अभी तो, क्योंकि बहुत बिजी हूँ सुबह से लेकर, ना जाके नहीं देख सका हूँ। और कल भी ये इन्फॉर्मेशन हमको तो रात को ही मिल गया, कोई कोई मीडिया मुझे बोला सर आपसे बाइक लेना चाहते हैं ना, तब तो तक तो मैं कितना 9 बजे हो गया तब तक तो मैं घर से जा सकता हूँ। सर तो ये सिक्योरिटी गार्ड होने का बात कहाँ से निकला फिर? ये वो से सब बता, सिक्योरिटी इंचार्ज है वो वहाँ का, ऐसे बताया है। तो मैं भी उसको वहाँ अरेस्ट करके नाहरलगंज थाना में रख के मैं यहाँ आ गया, अभी मेरा टीम आके उसको लेके गया है निर्जली, तो इसलिए यहाँ मीटिंग भी था। मैं थोड़ा लेट से भी पहुँच गया उसका वजह से, और अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था इमरजेंसी, क्योंकि हमने उन लोग को बोला था कि हमको 2 दिन का मुहलत दीजिए, तो उस दिया है उन हमको 2 दिन का समय दिया है, कल अच्छा से हमको कोऑपरेट किया, एंड फॉर देट आई एम थैंकफुल टू ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी एंड द विक्टिम्स फैमिली स्पेशली, तो उनसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई केस हो जाता है तो उसमें हम लोग मेन मुद्दा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट को से भटक के कोई दूसरा मुद्दा में मतलब फंस के रह जाता है, तो इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि हम लोग तो पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो भी केस रजिस्टर्ड होता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्ट, कोर्ट ही उसका मालिक होता है, एंड वी कैन नॉट डू एज पर आवर ओन विश, क्योंकि कुछ भी गलत हो देयर इज डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन, एंड कुछ भी अगर गलत हो देयर इज द कोर्ट टू डिसाइड। इसीलिए आप लोग भी मतलब सोच रहे हैं कि SP साहब या OC साहब ने कम या बेसी किया, ऐसा नहीं किया हमने, सोच जहाँ तक हमारा ये है कोशिश और उसमें भी एक्यूज को अरेस्ट किया है, और उसमें भी कल का कोई मीडिया में भी आ रहा था वीडियो में भी कि और हमको भी बताया था पर्सनली मेरा आया सामने भी कि एक ही लड़का ने एक ही ने मारा तो एजेंट करके, बाकी लोग साथ में आया था लेकिन उन लोग नहीं मारा, ये बात बताया था। तो इसीलिए उन लोग का FIR में भी मैं बार बार पूछा था कि तो कितना आदमी था, आदमी तो था लेकिन उन लोग नहीं मारा, तो इसीलिए उन लोग का FIR में भी एक आदमी का ही जिक्र। सर ये जो इंचार्ज जो है वो कंपनी का बिहाफ में वो जो एक्शन जो लिया है मारने का, ना पर्सनल में लिया? देखिए दैट इज मोटिव को आई कैन नॉट, हम यहाँ आपको मीडिया को उसका मोटिव क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो आई कैन नॉट से, वो तो इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा, वो क्या मोटिव में मारा है, वो क्या रीजन से मारा है, वो तो अभी पता चलेगा ना, वो तो उसका दिल का बात को हम मीडिया को देखा मालिक ने, सपोज कोई उधर का मैनेजर ने और उसको बोला कि मारो, तब तो ऑब्वियसली ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मारा बोलेगा, लेकिन वो अपना से और दीति करके भी अगर उनका किसी का कॉन्सेंट नहीं है उनका बॉस का, लेकिन वो अपने से अगर कर रहा है मतलब जो उनका SOP में नहीं आता है, किसी को मारना तो ऑब्वियसली SOP में नहीं आएगा कि इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है सिक्योरिटी मैटर में, उसका बाहर वो किया तो इंडिविजुअली होगा, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि इनका क्या हुआ और वो अपना दायरे में क्या है क्या नहीं किया है, क्या ड्यूटी का दायरे में किया है कि नहीं किया, ड्यूटी का दायरे में किया है तो ऑब्वियसली वो कंपनी का बिहाफ में किया है, ड्यूटी का बाहर अगर किया अपना इंडिविजुअली किया है तो ऑब्वियसली वो उस पर अपना इंडिविजुअल एक्शन होगा। एडिंग टू सर्स पॉइंट, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो मीडिया का हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कहीं से भी हो, किसी को फिजिकल असॉल्ट करता तो गलत है, ये चीज़ हम लोग कंडेम करता है एज ए पुलिस मैन ऑल्सो एज ए सिटीजन ऑफ अरुणाचल ऑल्सो, तो उसको हम लोग एप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन इसमें आप लोग वही बोलेगा कि आप लोग अच्छा से एक्शन कीजिए या नहीं किया है, हम लोग हमारा तरफ से लेवल बेस्ट हम लोग ट्राई कर रहा करेगा ना, और जितना भी इन्वेस्टिगेशन आप लोग जो भी आप लोग का ये होगा आप जो सेटिस्फेक्शन तक हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसमें पनिशेबल है 7 years 506 में और 325, लेकिन अभी जो मेडिकल रिपोर्ट का अनुसार 325 नहीं होता, ऐसे तो रजिस्टर हुआ है तो 325 होता तो 7 years होता, लेकिन अब तो कोर्ट कि दोनों सिमल्टेनियसली पनिशमेंट जाएगा नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग केस अगर ऐसा है तो स्ट्रॉन्ग केस बना के कोर्ट में भी देगा, अभी कोर्ट का काम है कि उनको कोर्ट उसको डिसाइड करेगा ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस कि उनको कितना सजा देगा। सर एग्जैक्टली अरेस्ट कितना बजे हुआ था सर? अरेस्ट करीबन 11 to 11:30 एंड फ्रॉम नाहरलगंज। हम लोग जब मीटिंग देख रहे थे तो वो वाज एब्सेंडिंग राइट? या आई मीन लाइक तो अरे वो तो कल से वो फैक्ट्री में नहीं था ना, कल हम लोग जाके पूरा उन्होंने प्रेशराइज भी किया है और मालिक को भी मैंने अच्छा से समझाया कि मालिक इन द सेंस जो वहां पे इंचार्ज रेगुलर था, उन लोगों का कहना है कि
जब इंसिडेंट हुआ तो हम लोग यहाँ में स्कोप नहीं था, जब कवर मिला हम लोग खुद भी आए बाहर से, तो अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और एफआईआर में भी नाम किसी का नाम नहीं था, अननोन बोला है। हाँ, और उसके बाद सीसीटीवी भी गेट में सीसीटीवी नहीं है, तो हम लोग जो सामने का बिल्डिंग का सीसीटीवी को देखने के लिए किया, फिर वो पासवर्ड मालूम नहीं हुआ अपने को, उठा के लाए राजेश पांडे, तो हमने मेरा आयो को बोल दिया डीबीआर को उठा के ला लो। ये हम लोग से जिसको हम लोग दूसरा का प्रॉपर्टी का डीबीआर को भी भागने से छोड़ेगा नहीं, ना लगन से कोर्ट है ना। हां ना लगन से क्या, हां जो पी आर ओ और पी आर ओ फैक्ट्री का पी आर ओ तो हम अभी तक नहीं मिले, अभी हम देखा नहीं है उसको ना, अभी हम देख लेंगे उसको। सर टेस्ट हो गए वो तो आज होना चाहिए, प्रोड्यूस कर देख लो, अब इन्वेस्टिगेशन करना है तो थोड़ा इंट्रोवेट करना तो कर सकते हैं। पुलिस का फर्स्ट 24 आवर्स होता है इंट्रोवेट करने के लिए या कोर्ट तक ले जाने के लिए, वो हम लोग देख लेंगे। इसमें इसमें तो आपको पैक्ट को हम लोग लीगली करें जो लीगल में हम इसमें पैक्ट को तो सर आपने सर तो बता ही दिया कि ये तो मैटर बहुत सीरियस है, लेकिन 325 सेक्शन डालने का बावजूद भी ये अवेलेबल है, अगर उन लोग वेल अप्लाई करता है तो वी विल बी कंप्लेंट होगी, अदरवाइज कोई बेलर नहीं आता है हम लोग कोर्ट में पूछना, ये है ये लीगल चीज पर हमसे बेटर आप लोग जानते हैं। हाँ क्राइम रेट कम हुआ, लेकिन हमारा वुमेन पीएस का ओसी को हम पूछा कि क्योंकि कोई हंसी मजाक में फेसबुक में लिख रहे थे ना कि दोनों पति पत्नी वाला मर्डर मामला जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होते, तो उसी उम्मीद पीएस ने बोला हाँ अराउंड 20-30% थोड़ा उसमें बढ़ा है, बाकी केस में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट वाला जो थोड़ा थोड़ा स्नेचिंग थोड़ा मोड़ा किया है, लेकिन वो भी कंट्रोल में है। बाकी जैसे लास्ट ईयर तो ऐसा टाइम तक अराउंड 400 केस रजिस्टर हो सके आज का दिन, लेकिन इस बार 300 भी नहीं आज का दिन, हाफ ईयर ना। हाँ लेकिन ओवरऑल केस जो है अराउंड 20% कम हुआ है कैप्टन, थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड मीडिया आल्सो।